Hello everyone, good morning. I hope you all are fine. Today's subject English. Today's topic AP and AR words. सबसे पहले हमने क्या कंप्लीट किया, हमारे अल्फाबेट कंप्लीट कर लिए. अल्फाबेट के बाद हमने वोवेल्स लर्न कर लिए. वोवेल्स लर्न करने के बाद हम वोवेल्स के टू लेटर वर्ड्स लर्न किए और अब जो हम लर्न कर रहे हो क्या है, थ्री लेटर वर्ड्स. तो चलो आज के थ्री लेटर वर्ड्स में क्या है, एपी एंड एआर वाले वर्ड्स है. तो सबसे पहले मुझे आप बताओ हमारे वोवेल्स कौन कौन से हैं, कौन बताएगा. ए ई आई ओ यू, ये सारे वोवेल्स. और बाकी बचे हो क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट, डी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये वोवेल्स और ये कॉन्सोनेंट. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डेज होती वीक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे. तो ये है हमारे डेज ऑफ दी वीक. चलो अब हमें क्या करना है, हमें हमारी टेक्स्ट बुक निकालनी है. उनमें क्या है, ए पी एंड ए आर वर्ड्स. तो ए पी और ए आर वर्ड्स में क्या आता है, सबसे पहले है देखो ये टेक्स्ट बुक में एपी एंड एआर वर्ड्स में क्या है, सी ए पी कैप, टी ए पी टैप, सी ए आर कार, जे ए आर जार, ये सारे पिक्चर हमने लर्न कर लिए. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम सी ए पी कैप, टी ए पी टैप, और उसके बाद है सी ए आर कार और जे ए आर जार. तो ये हुए हमारे ए पी एंड ए आर वर्ड्स. क्यों पता है, देखो यहाँ लास्ट में क्या आता है, ए पी और यहाँ पे ए आर. अब हमें नीचे अपने आप राइटिंग करनी है. सबसे पहले है सी ए पी कैप, उसके बाद है टी ए पी टैप, और यहाँ पे सी ए आर कार, और लास्ट में है जे ए आर जार. तो ये हमारी टेक्स्ट बुक का पेज कंप्लीट हो गया, ए पी एंड ए आर वर्ड. तो आपको अच्छे से इसे लर्न करना है. थैंक यू.